हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जम्मू टीवी और मैं शुभम कोतवाल आज कोविड 19 पॉजिटिव डिटेल्स आपके सामने लेके आया हूं। आज की डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं। आज जम्मू कश्मीर से जो टोटल कोविड 19 पॉजिटिव केसेस आए हैं वो 149 हैं, जहां जम्मू से 49 केसेस और कश्मीर से 100 केसेस हैं। जम्मू के 49 केसेस कुछ इस तरह से हैं। जम्मू के 49 केसेस में से जम्मू से 11, उधमपुर से 16, कठुआ से 12, पुंछ से 2, सांबा से 7, रियासी से 1 है। जहां तक कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर के 100 जो केसेस हैं वो कुछ इस तरह से हैं। कुलगाम से 3, बारामूला से 20, श्रीनगर से 11, अनंतनाग से 4, शोपियां से 10, कुपवाड़ा से 2, बांदीपुरा से 3, बडगाम से 25, पुलवामा से 21, गांधरबल से 1। जहां तक डेथ की बात की जाए तो आज जो पूरे जम्मू कश्मीर में डेथ है वो 7 हुई है, जहां जम्मू से 3 डेथ और कश्मीर से 4 डेथ है। जम्मू की डेथ कुछ इस तरह से, जम्मू तालाब तिलो से 1 डेथ हुई है, 1 अखनूर से हुई है। आज एक हैरान करने वाला केस पूरे जम्मू कश्मीर में यह हुआ कि जब एक कोविड 19 पॉजिटिव को जलाया जा रहा था तो उसकी डेथ पे उसके 2 रिलेटिव्स उसी टाइम गिर गए और वहां पे मृत घोषित हो गए। उस पे जो डिप्टी कमिश्नर जम्मू सुषमा चौहान है, उन्होंने ऑर्डर एक इंक्वायरी की हुई है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बोला हुआ है कि इसके रिगार्डिंग में जो भी रिपोर्ट है वो 22 तारीख तक सबमिट की जाए कि ये लोग कोविड 19 पॉजिटिव से ग्रस्त थे, नहीं थे, क्या था। जहां तक आज की हम बात की जाए पूरे रिकवरी रेट्स की, पूरे जम्मू कश्मीर से जो टोटल रिकवरी केसेस हैं वो 230 हैं, जहां कश्मीर से 158 और जम्मू से 72 हैं। जहां तक एक्टिव केसेस की बात की जाए तो पूरे जम्मू कश्मीर से जो एक्टिव केसेस हैं वो 2340 हैं, जो रिकवर्ड केसेस हैं वो 3144 हैं और जो टोटल डेथ अभी तक जम्मू कश्मीर में हुए वो 71 हैं। आज के लिए बस इतना ही। फर्दर डिटेल्स के लिए जम्मू टीवी को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए शुभरात्रि, शबा खैर।